अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन आमंत्रित मेहमानों और हजारों भक्तों ने रामलला की दर्शन किए। करोड़ों राम भक्त अब भी राम मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे राम भक्त कब से कर सकेंगे रामलला के दर्शन, कब पूरा होगा मंदिर निर्माण, उत्तराखंड से अयोध्या कैसे पहुंचे। इस रिपोर्ट में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में हम आपको अयोध्या दर्शन के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड को कौन सी बसें सीधे अयोध्या लेकर जाएंगी और उनका किराया कितना होगा, मंदिर में दर्शन कब से कर सकेंगे। राम मंदिर को आम लोगों के लिए 23 जनवरी से ही खोल दिया गया है। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, इसलिए रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को 15 से 20 सेकंड का ही समय मिलेगा। कब कर सकेंगे दर्शन? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक मंदिर को दर्शन के लिए सुबह और शाम 9:30 घंटे खोला जाएगा। सुबह 7 से 11:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। राम मंदिर में आरती का समय क्या होगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे आरती होगी। सुबह की आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करवानी होगी। शाम की आरती के लिए उस दिन भी बुकिंग हो सकती है। आरती में शामिल होने के लिए बुकिंग कैसे होगी? आरती में शामिल होने के लिए पास जारी किए जाएंगे। ये पास श्री राम जन्मभूमि के कैंप ऑफिस से मिलेंगे। आरती शुरू होने से आधे घंटे पहले पास मिलेगा। पास लेने के लिए सरकारी आईडी प्रूफ साथ ले जाना होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर भी पास लिया जा सकता है। मंदिर निर्माण का काम कब पूरा होगा? इस साल के आखिरी तक मंदिर निर्माण का काम पूरा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड से अयोध्या कैसे पहुंचे? देहरादून से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू हो चुकी है। ये बस रोज सुबह 11:30 बजे देहरादून से अयोध्या को रवाना हो रही है। बस अगले दिन सुबह 5:30 बजे अयोध्या पहुंच रही है। अयोध्या से ये बस दोपहर 3 बजे देहरादून के लिए रवाना हो रही है। अगले दिन सुबह 9 बजे से ये बस वापस देहरादून पहुँच रही है। देहरादून से अयोध्या तक का बस का किराया 1,095 रुपए है। इसके अलावा रामनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार से भी अयोध्या की सीधी बस सेवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।